दोस्तों इंडियन रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों गर्मी का मौसम है और गर्मी में अक्सर हमें ठंडा ही पीने का दिल करता है, तो चलिए आज हम बनाएंगे चिल कॉफी यानी कोल्ड कॉफी। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अक्सर तो हम लोग घर में मिक्सी रहती है तो हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते अच्छे से उसका, तो आज मैं कुछ अलग तरीका ले आई हूँ। उस अलग तरीके से हम बना के देखते हैं हमारी कॉफी कितनी अच्छी बन के तैयार होती है। तो कॉफी बनाने के लिए हमने कॉफी पाउडर लिया है, चीनी और दूध, बस इन तीन चीजों से हम कॉफी बना लेंगे। और दूध अभी मैंने फ्रिज में रखा है ताकि एकदम वो ठंडा हो जाए, तब हम कॉफी मिक्स करेंगे। तो पहले हम कॉफी तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये डब्बा लिया है, आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का डब्बा। जैसे क्या होता है कभी कभी लाइट नहीं रहती है या फिर मिक्सी नहीं है, जैसे गांव में मिक्सी हर किसी के पास नहीं होते तो डब्बा तो हर किसी के पास ही मिल जाते हैं, तो इसी डब्बे में हम कॉफी तैयार करेंगे। तो चलिए फिर तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मैंने कॉफी लिया है, कॉफी हम इसमें डालेंगे 1 2 3। हमने 3 चम्मच कॉफी पाउडर लिया है और 3 से इसका डबल हिस्सा हम चीनी डालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अभी हमने चीनी डाल दिया और कॉफी पाउडर, इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने दूध ठंडा लिया है, हमें कोल्ड कॉफी बनाना है तो हम दूध ठंडा लेंगे, तो इसमें हम इन्हें मिक्स डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। तभी देखिए अभी मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ, तो ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया इस तरह से। अब इसे हम खूब अच्छे से सेक करेंगे इस तरह से, ताकि एक अच्छे से झाग वाली कॉफी हमारी तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम करेंगे दोस्तों, इसे हम इसी तरह से करते रहेंगे करीबन 1 मिनट तक करेंगे, ताकि अच्छे से झाग वाली कॉफी हमारी बन जाए। तो मैं आपको 1 मिनट खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अभी इसमें थोड़े हल्के हल्के झाग आने शुरू हो गए हैं, और ये जो दूध है थोड़ा सा और मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा ही डालेंगे। ये देखिए अब इसे हम 1 मिनट तक इसी तरह से सेक करेंगे। दोस्तों हम सेम काम करेंगे, इसमें भी हम 2 चम्मच कॉफी पाउडर डालेंगे और 4 चम्मच चीनी, और उसे हम आइस डाल के मेल्ट करेंगे। तो चलिए फिर मैं करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने 2 चम्मच कॉफी पाउडर लिया है, 4 चम्मच चीनी, 1 आइस बॉल मैं डालूंगी। तो चलिए पहले इन्हें मैं एक बार मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ढक्कन लिया और मिक्सी में चला देती हूँ। तो दोस्तों मिक्सी थोड़ी सी दूर पे है इसलिए वीडियो में नहीं आ पाएगा, आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक बार चलाया तो इस तरह से मेल्ट हो गया। अब इसे हम रुक रुक के ही चलाएंगे। तो दोस्तों आपको आवाज सुनाई दे रही होगी कि मिक्सी में चला रही हूँ, तो इसमें मैं एक और आइस क्यूब डाल देती हूँ। इसी तरह से हम करीबन 2 मिनट तक इसको चलाएंगे, रुक रुक के चलाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा ये देखिए, देख रहे हैं ना कॉफी कितना अच्छा बन गया है, ये देखिए। तो चलिए हम अपने कोल्ड कॉफी बना लेते हैं। दोस्तों इसको बनाने में मुझे करीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं, तो ध्यान दीजिए कि इसको हमें ठंडा करके ही बनाना है, तो अच्छे से रुक रुक के ही चलाएं, तो ज्यादा हीट होने के बाद वो झाग नहीं तैयार हो पाते हैं, तो इसे रुक रुक के चलाएं। तो दोस्तों ये मैंने ठंडा दूध है, मैंने फ्रिज में रखा हुआ दूध एकदम ठंडा है दूध, तो थोड़ा सा हम इसमें दूध डाल देते हैं। ये मैंने कॉफी मंग लिया है, तो आपको मैं दिखा दी, ये हमारा अगर घर में कोई सुविधा ना हो तो इस तरह से कॉफी हम बना सकते हैं।
अगर सुविधा हो तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दूध थोड़ा सा डाला है और उसमें डालेंगे ये कॉफी, इन्हें अच्छे से मिला देंगे। थोड़े से दूध में इसलिए मिलाएंगे कि ज्यादा होने के बाद हमें स्पून को हिलाने में दिक्कत होगा। ये देखिए हमने मिला दिया, अब दूध भर देंगे इसमें। ये देखिए दूध भर दिया हमने। तो देखिए हमने दूध भर दिया है, अब ऊपर से हम थोड़ा सा जो हमने कॉफी बना के रखी है झाग वाली उसका हम एक परत लेयर लगा देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों कॉफी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए थोड़ा देसी स्टाइल में भी बना लेते हैं, तो वो हमने कॉफी जो बनाया था तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। दोस्तों ये मैंने ग्लास लिया है, हमने तो उसको कॉफी मग में सजाया, इसे मैं ग्लास में सजाती हूँ। तो इसके इस तरह से मैं साइड साइड में थोड़ा सा कॉफी लगा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने लगा दिया। और दोस्तों ये मैंने बोर्नविटा और कॉफी पाउडर मिक्स करके रखा है, तो इन्हें मैं इस तरह से कर दूंगी ताकि इसमें अच्छे से एक कोटिंग हो जाए। तो देखिए हमारी कोटिंग कितनी अच्छी हो गई है। तो चलिए फिर इसमें हम दूध डालते हैं, डालेंगे थोड़ा दूध, कॉफी, ये हमने जो कॉफी बनाई थी देसी स्टाइल में उसे मैं डालती हूँ। देखिए इस तरह से मिक्स कर देंगे। अभी इसे हम दूध से भर देते हैं। दोस्तों हमने ग्लास को दूध से भर दिया है, अब हम डालेंगे कॉफी की लेयर अच्छे से। इस तरह से डालेंगे, ये देखिए। दोस्तों मैं इसे एक ओरियो बिस्कुट से गार्निश करूंगी, आप चाहे तो किसी भी चीज से गार्निश कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट इन सब चीज से भी गार्निश कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने थोड़ी सी ये कॉफी पाउडर से गार्निश करके अब हम इसमें सजा देंगे ओरियो। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।